एवरीवन, वेलकम टू ए वेरी फ्रेश एंड गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो कुल्लू के न्यू बस स्टैंड पर रहेगा, और कुल्लू के बस स्टैंड का ब्लॉग मैंने पहले ही बना दिया था बट वो मुझसे डिलीट हो गया। और वो तारीख मुझे आज भी याद है क्योंकि उस दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, वो था 8 मार्च। और उस दिन मैंने अपनी फ्रेंड के बर्थडे का और कुल्लू के न्यू बस स्टैंड का ब्लॉग, दोनों का ब्लॉग एक साथ ही बनाया था। और उस टाइम भी मैंने बड़े टाइम निकाल के वो ब्लॉग बनाया था क्योंकि उस टाइम मेरे 2 से 7 तारीख तक पेपर थे, फिर मैंने वो 8 तारीख को बनाया। और मेरे मन में बड़ी पहले से था कि मैंने कुल्लू के न्यू बस स्टैंड का ब्लॉग बनाना है बट मैं थोड़ी बिजी थी। और उसके बाद देखे होली आ गई, उसके बाद कार्निवल आ गई, उसके बाद मेरे पेपर फिर से आ गए 25 तारीख से 4 अप्रैल तक, जो कि पिछले कल 4 अप्रैल को मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं। और इस तरह से मैं बहुत बिज़ी रही। तो उस टाइम भी मैंने 7 तारीख को पेपर ख़त्म हुए थे और 8 को ब्लॉग बनाया था, और आज भी मैं वैसा ही करूँगी। 4 तारीख को मेरे पिछले कल पेपर ख़त्म हुए हैं और आज मैं कुल्लू के न्यू बस स्टैंड का ब्लॉग आपके लिए बनाऊँगी। सो गाइज, ऐसा है, एक तो मेरा कुल्लू में आना जाना कम रहता है, फिर ऊपर से ये ब्लॉग भी मुझे बनाने होते हैं। तो अभी तो मुझे जाना है खेत पहले, उसके बाद मैंने कुल्लू जाना है। तो मैं आप सभी से कुल्लू जा कर के मिलती हूँ, बट मैं पहले आप सभी को यहाँ का व्यू दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर भी आना जाना कम ही रहता है। अभी मुझे फिर से कॉलेज जाना है, तो चलिए ज़्यादा आपका और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को व्यू दिखा देती हूँ। सो गाइज, यहाँ देखिए, ये है यहाँ पर सुबह सुबह का व्यू और बिल्कुल हरियाली हो गई है अब। एंड यहाँ देखिए, जो सेब के पेड़ है इनमें पत्ते आ गए हैं। सेब के पेड़ में ऐसा होता है कि पत्ते पहले आते हैं, उसके बाद फ्लावरिंग बाद में होती है पत्ते के बाद। और सुबह सुबह देखिए यहाँ पर कितनी धुंध भरी हुई है और आसमान भी बिल्कुल नीला जैसा नहीं है। यहाँ भी देख लो, यहाँ वाला ये तो बिल्कुल पेड़ ही पेड़ दिखते हैं यहाँ पर। यहाँ तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये पेड़ ऐसे ही रहते हैं। सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं थोड़ा छोटा रखूँगी, इसलिए मैं आपसे सीधा कुल्लू जा कर के मिलती हूँ अब। बाय बाय तब तक के लिए। सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पर खाने आ गए क्योंकि सुबह से भूख भी लगी थी, और हम सभी खा रहे हैं थुपका। यहाँ देखिए खाने का स्टाइल, मिसेज जया का स्टाइल कितना बढ़िया है खाने का। और यहाँ पर देखिए कितने सारे नूडल मिलते हैं, इतनी मात्रा में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। ये मैंने ख़त्म कर लिया है, सोनिया ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। ये हमारी सोनिया जी है, वो ख़त्म कर दिया। यहाँ हमारी पुष्पा है, ब्लॉगर। देखिए वो किस लोकेशन में खाती है, क्या बोले इसको, क्या ही बोले इसको। सो गाइज, अभी मैं यहाँ पर बस स्टैंड में पहुँच गई हूँ, तो मैं आप सभी को कुल्लू का जो न्यू बस स्टैंड है वो दिखा देती हूँ। आप सभी में से बहुतों ने देखा होगा क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेरी वीडियो कुल्लू के ही लोग देखते हैं। तो चलिए, अब आपको टाइम आ गया है बस स्टैंड दिखाने का, सब चलिए गाइज। सो ये रहा बैक साइड का व्यू, एंड यहाँ से बसें बाहर निकलती है, एंट्री आगे से होती है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। सो गाइज, हम बैक साइड से शुरू करेंगे आपको दिखाना बस स्टैंड। और आप देख सकते हैं बस स्टैंड की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है। और मैं आप सभी को बता दूं, जो ये बस स्टैंड का काम है ना, ये कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था ना, उसके काफ़ी मंथ बाद ये काम स्टार्ट किया था और बहुत जल्द ये बन भी गया। सो गाइज, बोल सकते हैं कुल्लू का जो बस स्टैंड है वो काफ़ी कम समय में बना है। और अभी हम अंदर की तरफ एंट्री मारते हैं ज़रा। और यहाँ देखिए, ये रूट लगे हुए हैं जहाँ जहाँ को बसें जाएगी जितने टाइम पे। और जी, इस तरफ है टिकट काउंटर्स, टिकट का जो भी काम रहता है वो यहाँ पर होगा। जया हाय, जया हाय, चल उठ। यहाँ पर जो है और जी, जो ये यहाँ पर कुल्लू के बस स्टैंड का जो मॉडल तैयार किया ना, ये चीज़ यहाँ पर इतनी प्यारी है ना देखने लायक। यहाँ पर देखिए इतना बढ़िया तरीके से इसको बनाया है। और मैं बता दूँ, अभी तो कुल्लू का जो बस स्टैंड है वो पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी ये वर्किंग पे ही है। और आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कुल्लू का जो पूरा बस स्टैंड है वो तैयार होगा तो वो कितना अमेजिंग लगेगा। चलो, हम सभी उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब पूरा बस स्टैंड तैयार होगा, हर जगह शॉप वगैरह सब कुछ लग जाएगी, देन वो तो बहुत ही अमेजिंग होगा, है ना। और देखिए आप सभी, कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पर जो ये चीज़ है। एंड जब पूरा बस स्टैंड तैयार होगा ना, देन आपके लिए एक ब्लॉग फिर से लाएंगे।
अभी तो जितना बना है उतना मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। एंड अभी तो यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तैयार हुआ है, अभी तक ऊपर वाली बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है अच्छी तरह से। और यहाँ पर कुछ एक शॉप्स भी लगी हुई है, जब पूरा बन जाएगा ना तब तो प्रॉपर तरीके से शॉप्स वगैरह भी लग जाएगी, बट अभी कुछ एक ही है लगी हुई। और जी यहाँ पर कुछ एक बेंचेस वगैरह भी लगे हुए हैं बैठने के लिए। और ये यहाँ पर ऊपर का व्यू, यहाँ पर लाइट वगैरह सब कुछ लगे है अच्छी तरह से। ये वाला फ्लोर तो वैसे पूरा ही तैयार है। और जी ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पर वॉशरूम का एरिया है, यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए वॉशरूम तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर साथ में ही पानी पीने के लिए नलके लगे हुए हैं। एंड ये रहे वॉशरूम बिल्कुल न्यू न्यू चकाचक। सो गाइस यहाँ देखिए कितने शीशे चमकीले चमकीले लगे हुए हैं। वो लड़की यहाँ देख कहाँ देख रही, परे इतना दुबला क्यों आ रहा है, खिल रहा है कैमरा, फोकस फोकस। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अब आपको फ्रंट जाकर के बस स्टैंड का जो व्यू है वो दिखा लेते हैं। और ये यहाँ पर रहा एंट्री गेट, यहाँ से बसें एंटर करेगी। और जी ये रही यहाँ पर बिल्डिंग, देखिए परे वाली अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, और यहाँ वाली ये तो हो ही गई है वैसे तैयार बाहर से, अंदर से तो अभी तक भी नहीं तैयार हुई है। और जो ये बस स्टैंड वाला एरिया है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना पूरा टाइम यहीं पर बिताते थे, जैसे ही कॉलेज से आ जाए ना फिर यहीं पर आकर के बैठ जाते थे, गप्पे चलती थी यहाँ पर आकर के। और जी इस साइड को यहाँ पर एक मिकी माउस लगा हुआ है, और यहाँ से बसें बाहर की ओर जाती है, और यहाँ पर एंट्री गेट है। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरा ना कुल्लू का बस स्टैंड ही सबसे ज़्यादा फेवरेट बस स्टैंड है, क्योंकि बाहर के बस स्टैंड अभी तक नहीं देखे हैं, इसलिए सबसे पहला बस स्टैंड जो है अपना ही देख लिया, वो भी इतना प्यारा सा, इसलिए मेरा फेवरेट बस स्टैंड अपने कुल्लू का ही है। बाकी मैं बाहर गई हूँ वो सिर्फ अपनी पर्सनल गाड़ी में या फिर पिकनिक, तो बस स्टैंड तो मैंने नहीं देखे, सिर्फ घूमी के लिए हूँ बाहर कुल्लू से बाहर, बाकी उतना मैं कुल्लू से बाहर भी नहीं घूमी हूँ। बाकी इस तरफ को था पहले कुल्लू का छोटा सा बस स्टैंड, और अभी तो आपने न्यू बस स्टैंड देख ही लिया होगा। तो बस इतना ही था, होप आप सभी को कुल्लू का जो न्यू बस स्टैंड है वो बहुत पसंद आया होगा, और मुझे तो पसंद आया ही है। तो जब पूरा बस स्टैंड बनेगा तब आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, होप आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और शुक्रिया जी आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल।